चंदन भाई, नॉमिनेशन एक जवाबदेही है कि आप इतने सारे लोगों के नेता के रूप में आप कार्य करना चाहते हैं, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पिछले 3 साल से वो जवाबदेही लेके आज नॉमिनेशन भर रहा हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास पहले से बढ़ा है और मैं भविष्य में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और आप लोगों से भी सहयोग मांगूंगा कि हम लोग सब मिलके एक बेहतर और सुंदर चतरा संसदीय क्षेत्र और एक बेहतर झारखंड के निर्माण के लिए हम लोग सारे कार्य करें। हम लोग अलग अलग प्रोफेशन में, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे कोई DC है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है, कोई पत्रकार है, लेकिन हम सब झारखंडी हैं, हम सब भारतीय हैं। हमारा दायित्व बनता है कि लोकतंत्र का जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम बेनिफिट हर एक व्यक्ति को एम्पावर करने के लिए किया जाए। और मैं एक डॉक्टर के रूप में छोटे गांव से निकल के बोड़ा छाप स्कूल से पढ़ के ऑल इंडिया में 25 रैंक लाया हूँ, MC पढ़ा हूँ, समाज में एक दायित्व को मैं निभा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटेंट लोग, पढ़े लिखे लोगों को अब समाज में आगे आके नेतृत्वकर्ता का भूमिका निभाना चाहिए। अगर मजबूत दिमाग झारखंड के टॉप पे नहीं बैठेगा या लीडर के रूप में नहीं आएगा, तो उसके जो माइंड का मैनिफेस्टेशन है, चाहे आपका हॉस्पिटल, चाहे आपका स्कूल, चाहे आपका सड़क, चाहे आपका समाज, हर कुछ इसलिए कमजोर है कि जहां बात होता है कि हम लोग व्यक्ति ज्यादा है, झारखंडी कम है, हम लोग व्यक्ति ज्यादा है, भारतीय कम है। इसलिए अपने स्वार्थ और निजी लाभ को त्याग कर आप नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर समाज और राज्य को मजबूती दीजिएगा, तो आज जो व्यक्ति आपके लिए महान है, हरेक आप चौक चौराहे पर जिनका स्टैचू है या जी हरेक गवर्नमेंट के बिल्डिंग में उनका अगर एक फोटो चिपका हुआ है, इसलिए कि वो मानवता के लिए, वो झारखंड के लिए और भारतवर्ष के लिए काम किए थे। हरेक 10-15 साल में एक डिकेड चेंज हो जाता है और मजबूत व्यक्तित्व और मजबूत नेता की जरूरत होती है। जब तक वो समाज को नहीं मिलेगा, हमारा समाज लड़खड़ाते रहेगा और हम उसका जो मंजर है देखते रहेंगे, हम लोग सहते रहेंगे। आप हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ ना कुछ तकलीफ झेलते हैं, आप रोड पर चलते हैं कुछ ना कुछ तकलीफ झेलते हैं, आप स्कूल में जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब मतदान का बात आता है, जब लीडरशिप की बात आता है, तो आप वो तकलीफ नहीं लेना चाहते हैं। ये सारा समस्या को आप झेल रहे हैं, एक उस समस्या के तकलीफ के जड़ में आग लगा दीजिए, भविष्य में रोज आपको तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। मैं इसीलिए डॉक्टर अभिषेक, मैं समाज को एक नया नेतृत्वकर्ता के रूप में एक नई थॉट के साथ, एक नए विजन के साथ चतरा संसदीय क्षेत्र, एक जो डिफिकल्ट जगह माना जाता है, मैं कार्य करना चाहता हूं। और जो यहां पे स्थिति और परिस्थिति और जो उत्सव और जो उमंग है, आपको देखने लायक है कि डॉक्टर अभिषेक के साथ कितने लोग हैं और कितना जोर शोर से हमारे पीछे खड़ा है। ये कर्म और तपस्या के प्रभाव से ही एक्चुअली हो सकता है, नहीं तो भीड़ होता है लेकिन उत्सव नहीं होता है। यहाँ पे आपको उत्सव दिख रहा है। स्थानीय प्रत्याशी का मांग रहा है, देखिए बेसिकली आस्थान, जहां तक स्थानीय का बात कर रहे हैं, तो चतरा में ये मान लीजिए अगर कालीचरण जी स्थानीय है, तो पलामू में 3 विधानसभा है कि नहीं, वो भी चतरा संसदीय क्षेत्र में आता है, उसी पलामू का मैं हूँ और वो केवल जन्म से स्थानीय है, मैं कर्म से भी स्थानीय हूँ। वो उनको जब टिकट मिला होगा, उससे पहले 5 आदमी को मदद नहीं किए होंगे, जो उनको कुछ मदद दिया होगा तो थोड़ा मदद किए होंगे। डॉक्टर अभिषेक पता नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, 325 मेगा हेल्थ कैंप, मैं बहुत सारा मोटिवेशनल सेमिनार, यूथ कॉन्क्लेव, और जो मैं विचार और ज्ञान में दे रहा हूँ वो अद्भुत है, किसी दुकान में नहीं मिलता कि आप 10,000 रुपया में 10 ग्राम खरीद के आइएगा। डॉक्टर अभिषेक जो कर रहे हैं वो बहुत व्यवस्था का परिवर्तन का प्ररूप है। और आप चतरा के कहीं ना कहीं पत्रकार के साथ एक नागरिक भी है, क्या आप चाहिएगा कि ऐसा व्यक्ति को अपना नेता चुने जो संसद भवन में उठ के खड़ा होके, उसका अगर अभी जवान लड़खड़ा रहा है तो संसद भवन में उतना प्रबुद्ध लोगों के साथ क्या बोलने लायक वो व्यक्ति है? अगर बोलने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। एक तपस्या होता है, लीडरशिप एक तपस्या होता है। ये मैनेजमेंट करके, अगर मान लीजिए मैं 10th का एग्जाम, आपको जाइए मैनेज करके लिख के आराम से पास हो जाइए चोरी करके, क्या आप 10th को जस्टिफाई कर पाइएगा? अगर आपको बढ़िया से मेहनत आपने नहीं किया, आप लीडर नहीं, आप मैनेजर हैं, और चतरा की सबसे बड़ी समस्या यहाँ के मैनेजर हैं, और ये मैनेजर वाला और पार्टी के जो अहंकार है और अति आत्मविश्वास है, डॉक्टर अभिषेक उसको तोड़ेंगे, इसीलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ।